पीटीआई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी हासिल करने वालों को वजीर आजम खैबर पख्तूनख्वा से होगा, पंजाब का वजीर आला कौन होगा, हामिद मीर ने बड़ी खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज हो गया है और मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल करने शुरू कर दिए हैं। सीनियर सहाफी ने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार जो मफरूर हैं या जेल में हैं, उनकी तरफ से जो लोग कागजात नामजदगी लेने जा रहे हैं उनको हिरासा किया जा रहा है। इस हवाले से पीटीआई की तरफ से एक शिकायत भी सामने आई है। उमैर नियाजी के वालिद जब कागजात नामजदगी हासिल करने गए तो उन्हें कागजात तो मिल गए, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए, जिसके बाद पीटीआई की मरकजी क्यादत ने इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हामिद मीर ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर आज खैबर पख्तूनख्वा में हासिल किए गए हैं और कैप्टन सफदर ने कहा है कि नवाज शरीफ NA-15 से इलेक्शन लड़ेंगे और इस दफा वजीर आजम खैबर पख्तूनख्वा का होगा, और साथ साथ ये भी बताया कि पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज होंगी जबकि KPK के वजीर आला अमीर मकाम होंगे।